आजकल का युग है, आजकल की ये संस्कृति है, और दादा की वो एक संस्कृति थी, हीरा जैसे दादाजी चमकते थे, और आजकल तो कमी जिंदगी के अंदर 100 साल तक उसके चेहरे लटकते हैं, क्योंकि खाना पीना रहन सहन अच्छा नहीं है। हमारे दादाजी के समय के सुखी जीवन के सूत्र थे, राजस्थान में घर बनानो छोटो, कपड़ों पहनो मोटो, खानो जवार को रोटो, तो कभी ना आई खोटो, और जब खाए तभी ना आई टोटो। आज की पीढ़ी के नए सूत्र है, घर बनानो मोटो, कपड़ों पहनो छोटो, कर्जो लेनो मोटो, खानो होटल को रोटो, तो हमेशा रहवे टोटो ही टोटो, अपनी संस्कृति अपना घर का आधार। हम हमेशा बोलते हैं मेरे को राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, और ऑल इन वन, ऑल आइटम, ऑल ग्राउंड, सभी आइटम जब भी मेरे को दिमाग में आता है खाने पीने की, मैं खुद बना लेता हूँ और खा लेता हूँ। हम किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। आत्मनिर्भर बनिए, जो तुम्हारे को चीज बनाना है बना करके खा सकते हैं, क्योंकि हाउ टू मेक, आपको क्या चाहिए सब कुछ गूगल के अंदर मिलता है, और किचन के अंदर जाइए और बनाइए और खाइए। होटल का खाओगे तो अंदर क्या मिलावट है, किसने बनाया, क्या डाला, शरीर का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाला है, गेस्टेबल होने वाला है, और ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। और जब आप घर का शुद्ध आइटम बना के खाओगे तो शरीर के अंदर हष्ट पुष्ट रहने वाले हैं, जैसे अभी चेहरा अच्छी तरह से चमकता है, उसी तरह अंदर से भी अच्छा साफ होना चाहिए, तभी आप जिंदगी के अंदर सफल बन सकोगे। जैसे आप भैंस की तरह रात और दिन होटल के मंगाओगे खाओगे, तो ऊपर से तो आप मेकअप करा सकते हैं ब्यूटी पार्लर जा कर के, बट अंदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जब आपको कुछ भी छोटा मोटा होता है, 1.5-2 लाख का आपका ऐसे ही बिल आ जाता है। और जो इंसान अपने आत्मनिर्भर मेहनत करता है, घर का खाता है, तो उस पर कोई भी खर्चा नहीं आता है, ये उतना ही फर्क है। अपनी सोच बदलो, इसलिए दादा हमेशा बोलते हैं, प्यारे, हमारे प्यारे दादाजी के समय के सुखी जीवन के सूत्र राजस्थानी में, घर बनानो है बहुत छोटो, कपड़ों पहनो मोटो, और खानो जवार रो रोटो, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं आसी। जिंदगी में सफलता पाने की कोशिश कीजिए, नफरत से कभी भी नहीं रहना चाहिए। जय हिंद।